नमस्कार, मैं हूं राजीव राय और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश जनमंच। उत्तर प्रदेश में इन दिनों बाढ़ जमकर अपना कहर बरपा रही है। दर्जनों जिलों में लाखों लोग बाढ़ की वजह से अपना घर बार छोड़कर पलायन करने को मजबूर हैं। फसलें तो चौपट हो ही गई हैं, किसानों को अपने पशुओं की जान बचाना भी भारी पड़ रहा है। उत्तराखंड और नेपाल में पिछले कुछ दिनों से जारी बारिश का पानी नदियों के जरिए यूपी के हजारों गांवों में घुस गया है। अब तक पूरे प्रदेश में सैकड़ों लोगों की मौत हो चुकी है। कई गांवों का जिला मुख्यालय से संपर्क टूट चुका है। हालांकि प्रदेश सरकार बाढ़ पीड़ितों को राहत पहुंचाने के बड़े बड़े दावे जरूर कर रही है, लेकिन जमीनी हकीकत हम आज आपको दिखाएंगे। और इस जमीनी हकीकत को देखते हुए यही कहा जा सकता है कि सारे दावे और वादे बाढ़ के पानी के साथ बह चुके हैं। प्रदेश के दर्जन भर जिलों में बाढ़ का पानी लोगों के लिए मुसीबत का सबब बन चुका है। कई इलाके टापुओं में तब्दील हो चुके हैं। सैकड़ों गांवों में बाढ़ का पानी घुस चुका है। गोंडा, बस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, बाराबंकी, इन तमाम जगहों में घाघरा और राप्ती खतरे के निशान से ऊपर बह रही है और बढ़ती जा रही है। फर्रुखाबाद, कन्नौज, हरदोई, कानपुर, उन्नाव, फतेहपुर में गंगा उफान पर है। बाढ़ से जहां लाखों एकड़ फसल बर्बाद हो चुकी है, तो वहीं जनजीवन पूरी तरह से पटरी से उतर चुका है। पूरे प्रदेश में इन दिनों बाढ़ के कहर ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। जहां एक तरफ हजारों एकड़ फसल बर्बाद हो गई, तो वहीं भारी संख्या में बाढ़ पीड़ित पलायन करने पर मजबूर हो गए। करीब एक दर्जन जिलों में तमाम नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। बाढ़ का पानी आसपास के गांवों में घुस चुका है, जिसकी वजह से नदियों के किनारे बसे लोगों का जनजीवन बुरी तरह अस्त व्यस्त हो गया है। गंगा, यमुना, घाघरा, शारदा और राप्ती जमकर अपना कहर बरपा रही हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर पूर्वांचल के कई तटवर्ती इलाकों में बाढ़ ने जमकर तबाही मचाई है। पूरे प्रदेश की लगभग 50 लाख आबादी इन दिनों बाढ़ का दंश झेलने को मजबूर है। सभी जिलाधिकारी और सिंचाई विभाग के सभी अधिकारियों को निर्देश दे दिए हैं, अगर कहीं पर भी बाढ़ में जन हानि होती है, पशु हानि होती है, या कहीं पर भी मकान गिरते हैं, या कहीं पर भी बाढ़ से अगर कहीं पर भी गांव के लोग फंसे हैं, तो उन लोगों को सुरक्षित स्थान पर। बांध टूट गया है। बांध टूट जाने से सैकड़ों एकड़ जो है कृषि भूमि जलमग्न हो गया है। और जो है ये हम लोग, ये कि एकमात्र बांध है जिससे सिंचाई होता है, और ये सिंचाई नहीं हो पाएगा हम लोग के धान का, तो हम लोग के लिए भुखमरी कगार पे आ जाएंगे। हैं, हम लोग अधिकारियों से बार बार मांग करने के बावजूद भी ये बंधा नहीं, बस जो है इसका छेद बंधा गया है। आज ये स्थिति आई कि बंधा रात में 12 बजे टूट गया। हाँ, सारे अगल बगल के गाँव भी कुछ डूब गए। नेपाल और उत्तराखंड में पिछले कुछ दिनों से हो रही बारिश की वजह से घाघरा और राप्ती खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गई है। गोंडा में घाघरा